बाजार में ऊपरी स्तर से बना दबाव, निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,650 के करीब बंद, लेकिन निफ्टी बैंक ने फिर बनाया नया शिखर, 44,000 के पार बंद। आज देर रात आएगा यूएस फेड की बैठक का फैसला, ब्याज दरों में आधे परसेंट की बढ़ोतरी का अनुमान, महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी नजर। चुनौती भरे माहौल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारत, आईएमएफ की डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ ने हमसे खास बातचीत में कहा, भारत अभी दूसरे देशों की तुलना में आकर्षक निवेश बनेगा, ग्रोथ का इंजन। हेल्थ इंश्योरेंस ने लगाई लंबी छलांग, आंकड़ों में दिखी 23% की ग्रोथ, मार्केट शेयर बढ़कर 35% हुआ, बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनियों ने की जीएसटी घटाने की मांग। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सब्सिडी का फॉर्मूला बना रही है केंद्र सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर, वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, मौजूदा मॉडल से अलग होगा सब्सिडी का मॉडल। तवांग घटना पर भारत को मिला अमेरिका का साथ, बोला ड्रैगन कर रहा है उकसाने की कोशिश, हम भारत के साथ खड़े हैं। उधर घटना पर सरकार को घेरने के मूड में है विपक्ष, कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। तवांग मुद्दे को लेकर लोकसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा, झड़प को लेकर बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष। हंगामे के दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी, विपक्षी सांसदों की ओर से लाई गई तख्तियों पर सख्त टिप्पणी, कहा ये सब करना छोड़ दें। तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, कहा हमारे और देश के सवालों का जवाब दे सरकार। हंगामे के बीच सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा चीनी घुसपैठ पर सदन में होनी चाहिए चर्चा, पूरे देश को मिले बॉर्डर की जानकारी। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों की अहम बैठक, बैठक में चीन के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक, बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता। तवांग में हुई झड़प के बाद पूरे अरुणाचल और ईस्टर्न सेक्टर में हाई अलर्ट पर है सेना, चीन की हरकत को देखते हुए उठाए जा रहे हैं सभी जरूरी कदम। ईस्टर्न सेक्टर में 15 और 16 दिसंबर को एलएसी के पास युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना, युद्धाभ्यास में शामिल हो सकते हैं राफेल जेट। तवांग के स्थानीय लोगों ने कहा हम सेना की हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं, डटकर मुकाबला करे भारतीय सेना। अरुणाचल में तवांग बॉर्डर पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने लिया सुरक्षा का जायजा, चीन की हरकत के बाद बढ़ाई जा रही है सैनिकों की तैनाती, सेना सतर्क। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा, भारत तिब्बत सीमा पर दिखे चीनी एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट इमेज से नजर आए चीनी विमान। तवांग विवाद पर भारत को अमेरिका का मिला साथ, अमेरिका ने कहा हम भारत का समर्थन करते हैं बॉर्डर पर चीन की उकसाने वाली गतिविधि। तवांग विवाद पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा भारत चीन के सैनिकों में झड़प के बाद दोनों पक्षों का जल्द पीछे हटना सुकून की बात। बिहार में शराब से हो रही मौतों पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा में किया प्रदर्शन। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, बिहार में नाम की शराबबंदी सरकार की नाकामी है, जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत। दिल्ली एयरपोर्ट पर कंजेशन कम करने के लिए एविएशन मंत्रालय का एक्शन प्लान दिखाने लगा है असर, आज कुछ बेहतर हुए हालात, पीक आवर में अभी भी भीड़ कायम।
लगातार यूक्रेन को अपनी मिसाइलों का दम दिखा रहा है रूस। यूक्रेन सीमा पर रूस ने तैनात की इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन के इरपिन में रूसी मोर्टार से पुल के पास दागे गोले। युद्ध छोड़कर भाग रहे लोग कर रहे थे पुल का इस्तेमाल। रूस ने जारी किया हविट्जर तोप का एक और वीडियो। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में हविट्जर का इस्तेमाल कर रहा है रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को लेकर किया ट्वीट। कहा, अकेला नहीं है यूक्रेन, दोस्तों की मदद से सभी चुनौतियों को पार कर बनेगा मजबूत। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की आई पहली झलक सामने। ये फिल्म होली के मौके पर 8 मार्च को होगी रिलीज। द कश्मीर फाइल्स के फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक नई फिल्म पर काम शुरू किया। उनकी नई फिल्म वैक्सीन वॉर की शूटिंग लखनऊ में हुई शुरू। यह फिल्म अगले साल 15 अगस्त को होगी रिलीज। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म पठान 25 फरवरी को रिलीज होने को तैयार है। खबरें हैं कि फिल्म के लिए शाहरुख ने 100 करोड़ रुपयों की फीस चार्ज की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू थिएटर के बजाय ओटीटी पर होगी रिलीज। इस फिल्म का प्रीमियर अगले साल 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगा।